भगवान सदाशिव है। अब देखिए सदाशिव कौन है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अपने ही श्री विग्रह माने शरीर से उसने एक लड़की औरत निकाली। अब आपको सुना था परमात्मा ने काल के पेट से वह दुर्गा निकाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रधान और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये याद रखना, आपके गीता जी में काम आओगा जब दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना उत्पत्ति दिखाएगा दुर्गा और काल से। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति जगदम्बा अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति फिर दोबारा दोहराया है। प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 पुजाए हैं। अब ब्रह्मा जी को परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था, लेकिन कुछ अपना मिला दिया, कुछ विश्वास किया, कुछ ना किया, तो यहाँ मिलता जुलता सा ज्ञान उसने बता दिया कि सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। दुर्गा के 8 भुजाएं हैं, ये दुर्गा है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों से की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए। समुद्र में छुपगी, तीनों बच्चों को ब्रह्मा विष्णु महेश को सागर मंथन पर भेजा प्रथम बार, तो ये तीनों निकली थी लड़की। तो बड़ी सावित्री पहले निकली, और सावित्री ब्रह्मा से ब्याह दी, दूसरी लक्ष्मी विष्णु से शादी कर दी थी, और तीसरी गौरी शंकर से ब्याह दी थी। तो एकाकिनी होने पर भी माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर बसम रमाए रहते हैं। यहाँ देखना, उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो या सदाशिव कहो, एक समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा दुर्गा और शिव काल, दुर्गा और काल के मन में यह है, ये काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे काल कहो सदाशिव कहो, इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष यानी कोई पुत्र की उत्पत्ति करें, पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, वहाँ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ लड़का, उसका के नाम रखा। 102 पृष्ठ पर शिव ने इस काल ने कहा कि वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ हो गया। विष्णु का जन्म वेदों में लिखा आपके समक्ष है कि शिव और काल और दुर्गा से, काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा से
विष्णु की उत्पत्ति प्रत्यक्ष हुई, स्पष्ट हुई। और यहाँ देखिएगा, ये छठा अध्याय समाप्त हो गया, रुद्र संहिता का सातवां देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं देव्र से तत्पश्चात, यानी विष्णु के जन्म के बाद मेरी उत्पत्ति इन दोनों ने की, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ पूर्वत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दायन्यांग से उत्पन्न किया। मुने इस प्रकार महेश्वर ने तुरंत मुझे अपनी माया से मोहित करके नारायण देव यानी विष्णु की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ ये राइटर विचलित हो गया, यहाँ तो गड़बड़ कर गया, ये छुपा गया विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति, सदा शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊँ, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं, और भी बहुत प्रमाण है, लेकिन आज सत्संग का उद्देश्य कुछ हो रहा है, ये थोड़ा हिंट से देंगे। ये देखिए 110 पृष्ठ पे वही शिव पुराण, ये वही संक्षिप्त शिव पुराण, इसके एक रुद्र संहिता के ही अध्याय 9 में इन चारों का वर्णन है। अध्याय 9 और पृष्ठ नंबर ये है 110, पीछे से वर्णन चला रहा है, हम अपने जो काम की बातें हैं उनको लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन तीनों देवताओं में गुण है, यानी तीनों गए, और चौथा फिर वो परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये वही संक्षिप्त शिव पुराण, इसके एक रुद्र संहिता के ही अध्याय 9 में इन चारों का वर्णन है। अध्याय 9 और पृष्ठ नंबर ये है 110, पीछे से वर्णन चला रहा है, हम अपने जो काम की बातें हैं उनको लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन तीनों देवताओं में गुण है, यानी तीनों गए, और चौथा फिर वो परंतु शिव गुणातीत माने गए, ये काल इनसे न्यारा है। अपने आत्माओं, अब देवी भागवत के अंदर एक बहुत विस्तार से ये जानकारी आपको मिलेगी, आप हैरान रह जाओगे। इसी के विषय में गरीबदास महाराज जी को परमात्मा ने ज्ञान बताया, तब उन्होंने कहा था, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये विद्वान दिखे थे, महर्षि मंडलेश्वर को आवे थे, संस्कृत धारावाहिक बोला करते थे, आम जनसाधारण बड़ा प्रभावित होता था, भी काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है ब्राह्मण, सारी दुनिया उसका पीछा लग जा करती थी, खूब उसने दक्षिणा देती थी, और जो भी वो सट्टे मारता वह सारे सच्चे मान लेते थे। अब आपको परमात्मा ने कहा है कि इस यथार्थ ज्ञान से ये कोई भी परिचित नहीं है, जैसा कल भी आपको दिखा था, लेकिन अब हम आपको सृष्टि रचना का विषय सुना रहे हैं, और सृष्टि रचना जब तक आपको समझ में नहीं आवेगी, आप कुछ भी भक्ति मार्ग का किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते, उसके बारे में कैख भी नहीं जान सकते आप जी। तो इसलिए दास आपको सृष्टि रचना से पूरी तरह रंगना चाहता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी इसके संपादक हैं।
गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। एक सौ तेरह पृष्ठ से तीसरा स्कंद और इसका प्रथम अध्याय है, ये देखिएगा। जन्मे जय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित है, अम्बा यज्ञ किस प्रकार होती है, उसका कैसा स्वरूप है और क्या विधान है, दयानिधे आप सर्वज्ञान संपन्न हैं। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं, कर्म से सृष्टि पालन और संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन आपकी बुद्धि बड़ी विशाल है, अभी तुमने जो प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा आदि यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्मादिक बोलते हैं, ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है, कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं, कुछ तो भगवान शंकर को बताते हैं। वे कहते हैं कि दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं कि वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं, और कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। प्रकृति दुर्गा को के लिए संबोधित है, ध्यान रखना। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, दुर्गा का इस काल रूपी ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है, ये पति पत्नी रूप में है, वे सृष्टि स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती है, संपूर्ण का प्राणियों एवं देवताओं की भी जननी है, वे जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन निराकार निर्लेप निर्गुण अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में वे ही ब्रह्म तेजो में बतलाए गए हैं, वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों आँखों कानों हाथों मुखों व चरणों से संपन्न है, पर आकाश विष्णु का चरण है, यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को